बीते रोज शहर के सटई रोड पर स्थित कृषि उपज मंडी में मंडी प्रबंधन, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते हुए लगभग 2 दर्जन दुकानों का अतिक्रमण हटाया था। इसी कार्रवाई को लेकर मंडी के कुछ सब्जी व्यापारियों ने कार्रवाई पर सवाल खड़े करते हुए मंडी सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सब्जी के थोक व्यापारी शंभू कुशवाहा ने मंडी सचिव संतोष नागर पर आरोप लगाया है कि उनके द्वारा मंडी में दुकानें संचालित करने वाले दुकानदारों से अवैध वसूली की जाती है। जिन दुकानदारों द्वारा पैसे नहीं दिए गए, सिर्फ उन्हीं का अतिक्रमण हटाया गया है, जबकि मंडी सचिव के चहेते व्यापारियों द्वारा किए गए अतिक्रमण पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। शंभू कुशवाहा ने यह भी आरोप लगाया है कि कार्रवाई के दौरान सब्जी व्यापारियों को न तो सामान हटाने का समय दिया गया और न ही सामान रखने के लिए नया स्थान दिया गया। आरोप लगाने वाले सब्जी व्यापारियों ने मंगलवार को जनसुनवाई में कलेक्टर से इस मामले की शिकायत करने की बात कही है। क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम शंभू कुशवाहा है और मैं थोक सब्जी का व्यापारी सदर मंडी में कमीशन एजेंट भी हूँ जी। क्या हुआ है कल भैया यहाँ पे अतिक्रमण हटाया गया? कल यहाँ पे तहसीलदार महोदय कोई आए थे, तहसीलदार और पूरी पुलिस थी यहाँ की, आपको सभी लाइन की, और जो मंडी सचिव हैं नागर जी वो थे, पूरा मंडी स्टाफ था। अतिक्रमण हटाया गया मंडी में, तो इतना भेदभावपूर्ण अतिक्रमण हटाया गया यहाँ पे कि भाई जैसे मंडी चौकी गेट से घुसते मंडी चौक वाली तपरा है दुकान थी, नहीं तोड़ी, उसके बाद आगे आके ये दुकान तोड़ दी, वही मेरी तोड़ दी, और जो उस लाइन वो दुकान वो नहीं तोड़ी गई, वो नए निर्माण करवा दिया 2-4 दिन में, वो नहीं तोड़ी गई। तो मैंने उनसे कल यही कहा था भाई मुझे 1 घंटे के सामने दे, दुकान खाली कर रहा हूँ मैं, और जो 3 शेड है 3 नंबर और 2 नंबर 3 शेड है पूरे कब्जा है, वहाँ एक दिन का टाइम दिया उन लोगों ने, पंजाब बना हुआ है ऑलरेडी, पंजाब लिखे थे हुई, 1 दिन का समय दिया मुझे, 1/2 घंटे समय दिया। 3 शेड कह के लिए वो बनाए गए, 3 शेड खुले रहते हैं, आप माल लेके आएंगे, व्यापारी माल आएगा, व्यापारी का 3 शेड बिकेगा, अपनी दुकान में चलाएगा वो, लेकिन वहाँ कब्जा हुए 4 साल का कब्जा है, क्योंकि जो मंडी सचिव है नागर है वो अवैध वसूली करता है, पैसे देते वो लोग तो अपने उसमें बना रहता है उसका सिस्टम पूरा वो। मैंने कल उससे कहा नागर से कि भैया मुझे 1 घंटे का टाइम दे दो, आप 1 दिन का टाइम दे लोगों को, मैं मुझे 1 घंटे टाइम दो, मैं खोलूँगा टपरा खोलूँ। मैंने कहा मैं 5 तक भी दिया था, मैंने आवेदन 5 जन बाद में दिया था मंडी सचिव को, मैंने कहा भाई मेरा जगह हटना है मंडी में, मुझे जगह पता, मैं भी लाइसेंस धारी हूँ, मुझे जगह बता दो कहाँ सामान रखूँ। तो बोले मैं क्या बताऊँ कहाँ रखूँ, तो मैं घर ले आऊँगा सामान, क्या पूरा 3 टप्पर जो मैं कहाँ ले आऊँगा। मैंने कहा मेरे सामने 3 शेड खाली पड़ा वहाँ रख दूँ, बोले नहीं वहाँ रखोगे, तो मैंने कहा ले कहाँ जाऊँ फिर। शिकायत नहीं की आपने इसके लेकर मंडी सचिव की? मंडी सचिव की शिकायत आपका कल वो सब करेंगे, आप वो है कल जनसुनवाई करें, कल हम शिकायत करेंगे, पूरा नक्शा बनाएंगे हम पूरा मंडी का नक्शा कि कहाँ कहाँ से कौन कौन तोड़ा इनने, कहाँ तोड़ा, जो मंडी जो बगल वाला है उसका तोड़ा, फिर जो थोड़ा आगे हमारे टपरी पर तब एक टोड़ा दो छोड़ दिए, क्यों की ऐसी वो ऐसा क्या, वो पैसा खाता उन लोगों से भाई, हमसे बोल रहा था कि भाई जमीन लौट होगी तब मिलेगा आपको जगह आपको, तो भाई जमीन लौट नहीं हुई तो फिर नए टपरी कैसे बनवा दिया आपने, फिर जमीन लौट कर दिया आपने, फिर भाई मैं तैयार हूँ ना उस पैसे देने के लिए कि भाई जमीन लौट कर दो, कितना स्क्वायर फीट कितना पैसा लगना है, मैं तैयार हूँ देने के लिए। मैंने कल ऑफिस से बोला था उससे मंडी साहब से कि भाई मुझे बता दो,